जहाँ पे अल्ट्राटेक लेबोरेटरीज है वो ये काम करती है। हर 3 महीने पे आपका TLD बैच वहाँ पे मॉनिटर होने के लिए जाता है। अब यहाँ पे 2 बातें आती हैं कि आप जो रेडियोग्राफर हो किस तरह के हो, या तो ट्रेनर हो, या तो आप ट्रेनी हो, या आप वर्कर हो। तो ट्रेनिंग का डोज अलग होता है और इम्प्लाई का डोज अलग होता है। ये एक रेडिएशन सेफ्टी अलग टॉपिक है जिसमें कभी हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे। तो कैसे मॉनिटर करना है ये सारी चीजें उस प्रोफाइल में आती है। आपने पूछा था सो आंसर मिल गया आपको। ओके, टिक सर्टिफिकेशन अलग से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो ये ऑन द बिहाफ ऑफ हमारे मयंक हैं सेल्स टीम से। तो अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो ये अनाउंसमेंट एक आपके लिए। दूसरा चीज, हमने आपको एक बताया था कि रेडियोलॉजी का प्लेटफॉर्म डेट वाले हैं वो बेसिकली कंट्रास्ट मीडिया के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। सो कंट्रास्ट मीडिया रेडियोलॉजी में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फील्ड होता है। अगर कंट्रास्ट, सोचो कंट्रास्ट नहीं था तो क्या होता, या थोड़ी देर पहले अभी हम गॉसिप में बात कर रहे थे कि एक्सरे की डिस्कवरी कब हुई थी, 8 नवंबर 1895 को। लेकिन ये बातें आपसे क्यों शेयर की, ये तो बहुत कॉमन बातें हैं। ये बात इसलिए शेयर की कि जब एक्सरे इस दुनिया में आया तो एक्सरे से क्या क्या बेनिफिट हुआ। एक्सरे जब शुरू शुरू में आया था तो एक्सरे से हम क्या देख पा रहे थे, ज्यादातर बोन वाली चीजें। लेकिन जब हमें आर्टरी और वेन देखना था तो उसके लिए कुछ नहीं काम नहीं देख पा रहे थे। तो फिर साइंटिस्ट जब आगे बढ़े, इसीलिए यहाँ पे इनोवेटिव लिखा गया। कोई पूछ रहा था थोड़ी देर पहले कि वाई इनोवेटिव, तो टेक्निक्स जैसे जैसे चेंज होती है उसको हम बोलते हैं इनोवेशन हो जाता है। तो पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। तो जब शुरुआती दौर में हमने कंट्रास्ट को यूज किया एक्सरे की डिस्कवरी के बाद, लगभग 1 साल के बाद 1896 में, तो वहां पे एक रिसर्च हुआ। वो रिसर्च हुआ एम्पुटेड आर्म के ऊपर। पहली बार एंजियोग्राफी किया गया था, और उस एंजियोग्राफी में आपने शायद ग्रुप में पढ़ा भी होगा कि इस अप्रोच वेयर नोबडी कैन अप्रोच यू कैन गो बिकॉज़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। यू आर नॉट द पैरामेडिकल साइंस स्टूडेंट बट देयर विल बी अ ग्रेट अप्रोच विद द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। Our students are well known all these topics and you will learn many things for today's lecture, and I request to the department head, Mr. Isa, and another members to conduct each type of activities again and again for the betterment of our students. We are lucky, we are having such type of personalities with us. They are from G, so very good opportunity for all of us that we should learn something more important about your kids.